और अब बात करते हैं संभल की। संभल में एक्सिस बैंक के एटीएम में आग लगने से एटीएम के कैश बॉक्स में रखे 14 लाख के नोट जलकर खाक हो गए। घटना रेलवे ट्रेनिंग कॉलेज के पास की है। जानकारी के मुताबिक यहां पर तड़के एक्सिस बैंक के एटीएम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए के नोट जलकर खाक हो गए। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। तो एक्सिस बैंक के एटीएम में आग लगने से बड़ा नुकसान हुआ है। एटीएम के कैश बॉक्स में रखे 14 लाख रुपए के नोट जलकर खाक हो गए। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते एटीएम में आग लगी। जैसे ही दमकल कर्मियों को खबर मिली, उसके बाद दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और उसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एटीएम बॉक्स में रखे सारे नोट जलकर खाक हो चुके थे।